पहली बार अगर हमारे चैनल पर विजिट किया है तो आपका स्वागत है, और अगर हमारा चैनल को सपोर्ट किया है तो भी आपको फिर से दोबारा स्वागत करता हूँ मैं। तो मैं फाइनली बताने जा रहा हूँ कि अपने छोटा सा केज में दो पेयर से कितना ब्रीडिंग करवा सकते हैं। पहली ब्रीडिंग आपको दिखा दिया, उसमें 5 अंडे आए थे। दूसरा आज मैं अपने केज में दूसरा जोड़ी लेके आया है, जो मेल फीमेल दोनों व्हाइट है, मस्त है, बढ़िया कलर है, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। और वो भी 2 दिन में, मात्र मैं 4 दिन पहले वीडियो बनाया था और 2 दिन हुआ अभी लाए हुए, 2 दिन में उसका पैर लग गया है। आज फाइनली मटकी भी दे दिया, मटकी सिलेक्ट कर दिया है, ये वाला मटकी, उसमें तो अंडे दे दिए थे 5। अब ये नया मटकी है और नया जोड़ी लाया हूँ, तो मटकी सिलेक्ट कर दी है 5 दिन पहले वीडियो बनाया था अपने, और आज है 5वां दिन, 4था दिन, और ये मटकी में सेटअप लगा चुका हूँ मैं और मटकी भी ले लिया हूँ। तो फाइनली अपने जोड़ी लाने के बाद, जो मार्केट से या पेट शॉप से या किसी दोस्त से आपने अगर बर्ड्स खरीदे हैं तो फाइनली कंफर्म पेयर लाया होगा तो ही होगा ऐसा, वरना तो 10-12 दिन लग सकता है। तो चलो दिखाता हूँ मैं आगे कि अपने पिंजरे में क्या प्रोग्रेस हुआ है। मटकी आज सुबह में ही दिया हूँ, 2 दिन पहले मैं जोड़ी लाया था नया, और अभी मटकी उसने सिलेक्ट भी कर लिया है, और आगे देखेंगे क्या देखने को मिलता है। तो चलो हम चलते हैं, अभी कैमरा ले जाते हैं पिंजरे के अंदर और आगे का प्रोसेस दिखा देता हूँ मैं। तो दोस्तों ये रहा अपना फाइनली 2 फीट चौड़ा और 2 फीट लंबा केज है, और वो मटकी में मैंने दिखाया था पहले कि 5 अंडे आ चुके हैं, और अभी आज मैं ये 2 पेयर लाया हूँ, एक पेयर लाया हूँ, दोनों मस्त है, कलर भी व्हाइट है, व्हाइट एंड ब्लू मिक्स है। तो वो मैं लाया हूँ, अभी 2 दिन पहले लाया था और आज मटकी दिया हूँ। मटकी भी उसने चॉइस कर लिया है, मटकी में जाती है और ब्रीडिंग मोड पे है, तो थोड़े दिन बाद अंडे भी दे देंगे। तो फाइनली मैं बताने की कोशिश करूँगा कि मटकी में क्या प्रोग्रेस चल रहा है। फाइनली दोस्तों ये नया जोड़ी है जो मैं लाया और आपको आज पहली बार दिखा रहा हूँ अपने केज में, जो नया जोड़ी आ चुका है वो, और वो भी कन्फर्म पेयर बन चुका है, और उनको मटकी भी प्रोवाइड करा दी और मटकी भी ले लिया है। पर जो पहले वाला था उसके बगल में पहले वाला है, तो पहले वाला ये रहा। तो भाई पहले जो अंडे दिया था 5 अंडे ये मटकी में से है, तो आपके सामने 5 अंडे हैं, वो आप देख सकते हो, ये पहले वाला जोड़ी है, और अभी लाया वो इधर है। तो और 4 दिन के बाद अगर जोड़ी लग गया तो मैंने मटकी भी प्रोवाइड करा दी है। तो फाइनली 2 दिन में जोड़ा कैसे लगाते हो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे अपना वीडियो तो गुजराती बर्ड्स लवर को सपोर्ट करके चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबा लेने का, ताकि आने वाले समय में नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँचे। कि नहीं रखना है मटकी, हम 2-3 दिन बाद रखेंगे, पहले उसको केज में अकेला रहने दो, दाना पानी दो, और उसको फाइनली उसको लगने दो कि ये मेरा घर है। पहले से मटकी दोगे तो उसका घर का पार्ट समझ लेंगे, अंदर जाएंगे जरूर लेकिन अंडा देने की कोशिश नहीं करेंगे। पहले उसको बिना मटकी को 4 दिन रहने दो, और बिना मटकी का 4 दिन रहेंगे तभी वो जानेंगे कि इधर अपने रहना है। पर मटकी देंगे तो फाइनली जब मीटिंग भी हो चुका होगा उसका मटकी देने से पहले, तो वो तुरंत मटकी पकड़ लेगा। तो ऐसा करने से फाइनली दोस्तों जो मेल है वो सपोर्ट करेगा, और फीमेल है जो मटकी ढूंढने में उसका हेल्प भी करेगा, और मटकी वो पकड़ लेगा, मटकी में जाने लगेगा, और दूसरे या तीसरे दिन अंडे आएंगे। तो फाइनली 2 दिन में पैर लग जाने के बाद 8वें दिन आपको मटकी में अंडा देखने को ज़रूर मिलेगा। हाँ, अगर 8वें दिन नहीं मिला तो 9 या 10 दिन लग सकता है, ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मटकी कब लगाना चाहिए और जोड़ा कैसे लगता है, वो भी समझ गए होंगे। तो आशा रखता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और गुजराती बर्ड्स लवर को सपोर्ट कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।